वो कहते हैं कि जब तक विधि विधान के साथ में अस्थियों का विसर्जन नहीं किया जाता तब तक आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। यही वजह है कि हिंदू धर्म में लोग गंगा सहित धार्मिक महत्व की नदियों में अस्थियों को विसर्जित करते हैं, लेकिन कोरोना के इस काल में मौत के बाद संक्रमितों की अस्थियां परिजनों को नहीं सौंपी जाती, लेकिन इन्हें यूं ही दफनाने का नियम भी नहीं है। जी हाँ, कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार अस्थियों को सुरक्षित रखे जाने के बाद परिवारजनों की उपस्थिति में विसर्जन का प्रावधान है, लेकिन पाली में कोरोना से मृत लोगों की अस्थियों को सम्मान पूर्वक विसर्जन करने के बजाय उनको शहर की प्रदूषित बांडी नदी की गंदगी में ही विसर्जित किया जा रहा है। और ये खुलासा हुआ एवन टीवी के स्टिंग में। जी हाँ, हमारे कैमरे में कैद हुई तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि जेसीबी से गड्ढा खुदवा कर गंदगी में ही अस्थियों को विसर्जित किया जा रहा है। आपको बता दें कि शहर में दो कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद में विद्युत शवदाह गृह में इनके अंतिम संस्कार किए गए। उसके बाद में बांगड़ अस्पताल प्रशासन ने उनकी अस्थियों को नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों को सौंप दिया और उसके बाद रात के करीब 12 बजे दो सफाई कर्मचारी पीपीई किट पहनकर मटकी में अस्थियां लेकर अग्निशमक केंद्र की चार दीवारी के पास पहुंचते हैं, जहां पहले से ही जेसीबी लेकर एक कर्मचारी मौजूद था। उसने गड्ढा खोदकर अस्थियों से भरी मटकी को वहीं पर डाल दिया। इस दौरान सफाई कर्मचारी से बात करने पर उसने कहा कि कोरोना पॉजिटिव मृतक की ये अस्थियां हैं, इसलिए वो ऐसे ही विसर्जित की जाएगी। क्या डाला आपने? कोरोना के मरीज का अस्थि डाली। कोरोना को कोई मरीज था? हाँ। यहाँ पे कितनी कोरोना के मरीजों की अस्थियां दफनाई आज? एक ही है। इससे पहले? इससे पहले नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा अशोक जमादार। आपका? राकेश। अच्छा, किन के आदेश से आज दफनाई है? आदेश किसका था आज? कमिश्नर साहब का। ये कोरोना जो मरीज था उसकी डेथ हुई, उसकी अस्थियां दफनाई। क्या नाम मरीज का? तो वही इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जिला कलेक्टर सहित आला अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन दो दिन तक अधिकारी मामले को टालते हुए दिखाई दिए। आखिर में आनन फानन में 12 लोगों की एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी की देखरेख में ही ऐसे मामलों पर गाइडलाइन के आधार पर अस्थियों को लेकर जिम्मेदारी अब तय की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अधिकारियों को लॉकडाउन के नियम तोड़ने का अधिकार है? क्या गाइडलाइन इन लोगों के लिए नहीं होती, या फिर कोरोना से मरने वालों को सम्मान से मुक्ति का अधिकार भी नहीं है? देखिए, जो अस्थियों के संबंध में है, जो भी डेड बॉडी है, जो पॉजिटिव केस है, उसके अंदर डेड बॉडी मैनेजमेंट के जो नियम कहते हैं, वो ये कहते हैं कि डेड बॉडी का जो डिस्पोजल है, टिल दी फाइनल डिस्पोजल ऑफ एशेस, वो हमारे को कंसिडरिंग फुल नॉर्म्स करवाना है। नॉर्म्स ये कहते हैं कि जैसे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उनको इंसिनरेट किया जाएगा, उसके बाद जो अस्थियाँ हैं उसके नियम अनुसार उसको 6 से 7 फुट का गड्ढा खोद के उसको दबाया जाएगा। आप जो केस बता रहे हैं वो मुझे जानकारी में आया कि उनको बांडी नदी के अंदर किया गया है, तो उसमें कुछ लोगों को आपत्ति थी, पर अब सबको निर्देशित कर दिया गया है, जो भी करेंगे डिस्पोजल सरकार द्वारा ही किया जाएगा, पर उचित व्यवस्था, मतलब उचित लोकेशन देख के कर पाएंगे हम। एशेज को फैमिली के हाथ में देंगे। पाली से आपको एक खबर बता रहे हैं, यहाँ पर कोरोना के बाद में यहाँ पर 2 लोगों की मौत हुई और गाइडलाइंस में यहाँ पर साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि जिन भी लोगों की यहाँ पर मृत्यु होती है उनकी देह पार्थिव शरीर तो लोगों को नहीं सौंपे जाते परिवारजनों को, लेकिन उनकी जो अस्थियां होती है उनको यहाँ पर सम्मान पूर्वक विसर्जित करने का सभी को एक मानवीय अधिकार प्राप्त है, लेकिन उन्हीं अधिकारों की यहाँ पर धज्जियां उड़ती दिखाई दी। अस्थियों के विसर्जन में नियमों की खुले तौर पर अनदेखी देखी गई। जेसीबी की मशीन के द्वारा कचरे के ढेर के पास में लोगों की अस्थियों को गड्ढा कर दबा दिया गया, जो कि बेहद ही अमानवीय घटना। एवन टीवी के स्टिंग ऑपरेशन में इस पूरी घटना का यहां पर खुलासा हुआ। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस प्रकार से इस पूरी कारतूत को अंजाम दिया जा रहा है, चोरी छिपे रात के 12 बजे। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में दिन के उजाले से शाम के ढलने तक ही इस प्रकार की गतिविधियों को, अंतिम संस्कार के जितने भी नियम होते हैं उनको करने की यहाँ पर जो हमारे ग्रंथ है, जो हमारी किताबें हैं और सभी साहित्यिक ग्रंथों में इस चीज की उल्लेख मिलता है, लेकिन रात के 12 बजे सभी की नजरों से बचकर यहाँ पर इन दोनों मृत लोगों की अस्थियों को मटकी में डालकर कचरे के ढेर के पास में जेसीबी की सहायता से गड्ढा कर इसमें छुपा दिया गया और 2 दिन तक तमाम अधिकारियों को और पाली के
तमाम आला अधिकारियों को इसकी सूचना मिल गई लेकिन टालते हुए नजर आए। दो दिन के बाद में जब ये मामला ज्यादा उजागर हुआ हम सभी के प्रयासों के चलते, तो उसके बाद में 12 सदस्यीय दलों की यहां पर एक कमेटी गठित की गई और आनन फानन में अब नई एडवाइजरी जारी करने की बात कही गई है। लेकिन उन लोगों के लिए न्यायोचित अभी तक भी नहीं है जिनके परिवारजनों के साथ में, जिनके परिजनों के साथ में ऐसा दोहरा कुठाराघात यहां पर हुआ है। आप सोच सकते हैं उस परिवार की स्थिति को, उस परिवार की हृदय की फिलहाल क्या स्थिति रही होगी, क्या उसके मन में अभी चल रहा होगा जिसने अपना एक परिवारजन अभी खोया है, एक परिजन को अभी खोया है। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए वन संवाददाता मनीष राठौर इस वक्त मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, किस प्रकार की पूरी अमानवीय घटना रही, तस्वीरें देखकर ही मेरा हृदय इसमें पसीज रहा है। किस प्रकार से यहां पर दोहरा कुठाराघात उन परिवार के लोगों को यहां पर झेलना पड़ा जिन्होंने एक तरफ तो अपने परिवार को, अपने परिवार के इस व्यक्ति को खोया और दूसरी तरफ इस प्रकार से उसके अंतिम पार्थिव अस्थियों को रात के 12 बजे प्रशासन के नाक के नीचे इस प्रकार से दफनाया जा रहा है, क्या ये पूरा वाक्य रहा, मैं डिटेल में आपसे जानना चाहूंगी। मनीष, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, जैसे बता देना चाहूंगा कि कोरोना पॉजिटिव से होने वाली मौत के बाद मृतक की हत्या सम्मानजनक तरीके से विसर्जित करनी चाहिए या फिर उन्हें शमशान में ही एक टैग लगाकर रखना चाहिए जी। लेकिन पाली शहर में ऐसा नहीं हुआ। अस्थियों को शमशान घाट से नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों द्वारा शहर की प्रदूषित बांडी नदी में लेकर पहुंचे जहां पर जेसीबी द्वारा गड्ढा खोदकर गंदे पानी में विसर्जित कर दी गई। आपको बता दूं कि ये बांडी नदी देश के प्रदूषित नदियों में शामिल है। जैसी जी मनीष, एक और चीज है यहाँ पर बताया जा रहा है कि दो दिन तक जो प्रशासनिक अधिकारी है उन्होंने इस पूरे वाक्य को, इतना बड़ा ये मामला रहा स्टिंग के बाद में ये जो की बात उजागर हुई, लेकिन दो दिन तक इस मामले को दबाने की कोशिश यहाँ पर की गई। जी जयती, बता दूंगा कि प्रशासन के पास भी COVID-19 की डेट ऑफ लेकर मैनेजमेंट की गाइडलाइन नहीं होने के कारण इस मामले को दबाया जा रहा था जी। जब इनके पास गाइडलाइन आई तो उन्होंने आनन फानन में कमेटी गठित की जी देर शाम को। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पाली से आपको खबर बता रहे हैं हम यहाँ पर। कोरोना के संक्रमण से जहां इस वक्त पूरा विश्व, पूरा भारत देश और हमारा प्रदेश भी अछूता नहीं रहा, पूरा देश इस कोरोना के दंश को फिलहाल झेल रहा है, उसी बीच में ऐसी अमानवीय जब तस्वीरें सामने आती है तो यकीनन जो हृदय है वो पसीज उठता है। किस प्रकार से मृत लोगों के यहां पर जो अस्थियां हैं उन्हें गड्ढे के अंदर मटकी में कूड़े के ढेर के पास में यहां पर दफनाने की प्रक्रिया एक स्टिंग में कैद हुई हमारे कैमरे में।